विल ये ट्रिगर ईशान से कैसे, और ये है खतरनाक इंसान। फ्लोर पे यार तो अल्फा भाई अमल रूम में आ रहे क्योंकि ये बेघर है अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए। लिटरली रात के 2 बजे है और मुझे निकलना है 3 बजे अपने घर से क्योंकि हमें जाना है दिल्ली। सुबह फ्लाइट है, 6:30 की फ्लाइट थी, उसको भी उन लोगों ने पहले करके 5:30 कर दिया। भाई क्यों करते ऐसा। अभी जल्दी से निकलना पड़ेगा, रेडी होना है, कपड़े वगैरह सिलेक्ट किए हैं। अपना एक दिल्ली में इंटेल का इवेंट है उसके लिए जा रहे हैं, देखते हैं कौन कौन मिलता है वहाँ पे। इस बार अभी 2 दिन पहले यार वैलोरेंट के इवेंट में जाके आऊँ, थक गया हूँ। वापस से हम लोग आ चुके हैं गाइस एयरपोर्ट के अंदर, अभी 4:30 बजने का लगभग और 5:30 की फ्लाइट है। और मैंने फर्स्ट टाइम विस्तारा का बिजनेस क्लास अपग्रेड किया, लाइक फर्स्ट टाइम ही विस्तारा से जा रहा हूँ, तो काफ़ी सस्ते में मिल रहा था, एक ईमेल आया था उससे, तो आई थॉट कि चलो कोशिश करते हैं। एंड मुझे अभी इनका लाउंज चेक करना है क्योंकि बिजनेस क्लास का थोड़ा सा अच्छा है, सब मैंने देखा वीडियोज में। गाइस लाउंज में आ चुके हम लोग, लाइक सेम ही लाउंज था लास्ट टाइम का था, बस उसमें लाइक बिजनेस क्लास का पार्टीशन था अलग से। और भाई अभी सुबह का समय है तो हम लोगों ने अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट ले लिया है क्योंकि आई थिंक होटल जाके भी हम लोग दिल्ली जाके भी आई थिंक ब्रेकफास्ट करेंगे, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ना अभी भूख भी लगी है, नींद भी आ रही है, अभी क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। दिखने में काफ़ी बढ़िया ये साइड, गाइस पोहा खाया मैंने एंड क्या मस्त लग रहा है, लाइक पोहा बचपन से खाते आए तो मुंबई एयरपोर्ट पे मस्त वाला पोहा भाई देखे अच्छा कर रही है कि भाई सबको पता है कि मुंबई में पोहा अच्छा मिलेगा। भाई लिटरली भाग भाग के आना पड़ा है मुझे यहाँ तक क्योंकि जो अंदर का लाउंज का बोर्ड था ना उसमें दिख नहीं रहा था अपना फ्लाइट, एकदम लास्ट में था शायद, मतलब नेक्स्ट टाइम आने वाला था, फाइनल कॉल लिख के आ गया, मैं भाग लिया वहाँ से। फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट आ चुके, कुछ जल्दी आ गया मैं ऐसा लग रहा है आज। गाइस अभी यहाँ पे इंटेल का इवेंट स्टार्ट हो गया है एंड मुझे अभी तक पास लेना है, वो लेना है एंड मैं वेट कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट ज़ाया का, उसको आने वाला आज देखते। तो देखो गाइस बाकी लोग भी अभी आ गए हैं। क्या शान, तुमने उस दिन मेरे को ये लगा दिया तुमने? नहीं मैंने बोला था कैप पेन काफी कमी है तो इसलिए हम लोग पहले रूम में जाते हैं अपने एंड बाकी लोग इवेंट के यहाँ पे गए हैं, मैं थोड़े टाइम में उनके पास जाऊंगा। भाई यार काफ़ी सारा ये ओल्ड वाइब्स है इस होटल का, ये देखो ना ऐसा लकड़ी वगैरह है सब जगह, ठीक दिखने में काफ़ी मस्त यार सब जगह, ये देखो ना ऐसे बैठने के लिए वगैरह और सब जगह आईने, ये देखो आईने। एंड अभी अपने को अपना रूम ढूंढना है, एकदम सुनसान जगह जैसा लग रहा है यहाँ पे। भाई साहब ये आ गए हम लोग फाइनली रूम के अंदर अपने, और काफ़ी ज़्यादा ओल्ड वाइब्स है यहाँ पे। मुझे देखना है कुछ व्यू वगैरह मिल रहा है क्या अपने को यहाँ पे, चलो देखते जल्दी से। ठीक है, 10th floor पे यार, तो एटलीस्ट दिल्ली का थोड़ा सा व्यू मिल रहा है अपने को ऊंचाई से, ये काफी बढ़िया बात है। ऊपर भाई साहब यहाँ पे एक बाथटब तक है इसमें, ये खतरनाक चीज है, सब ओल्ड वाइब्स का है। ठीक है तो अभी हम लोग थोड़ा सा मैं मुंह वगैरह धो लेता हूँ एंड देन उसके बाद हम जाएंगे इवेंट में। ठीक है इवेंट मतलब चालू हो गया है लेकिन अभी थोड़ी बोरिंग चीजें बोल रहे हैं वो, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे। ठीक बड़ा सा जैकेट में लेके आया था, ठीक है तो इसको पहन के देखते हैं कि ये पहन के जाना सही रहेगा क्या। आई थिंक दिखने में ये ठीक ठाक ही लग रहा है, लाइक पहले से बेटर ऐसा ही लग रहा है, तो यही पहन के रखते हैं हम लोग। ये देखो यार क्या मस्त एप्पल्स रखे यहाँ पे, देखो अल्फा भाई हमारे रूम में आ रहे क्योंकि ये बेघर है अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए। अपना होटल यहाँ पे और बाहर से यार काफी ऊंचा लग रहा है, मुझे लगा था अंदर से देखे कि छोटा सा है, यहाँ पे पुल वगैरह भी है, बट भाई मेरा हमेशा का यार कई होटल में पुल में जाने ही होता नहीं मुझे, लाइक टाइम ही नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता, ये होटल में बाथटब भी मिलता है उधर भी नहीं जाएंगे। गाइस इनको भी घर मिल गया है, 2 घंटा इंतजार करना पड़ा। गाइस अभी अपना खाना वगैरह हो गया है, अपने साथ सिर्फ गॉड भाई है
खाओ ना भाई, आराम से खाओ। हेलो गाइस, मलिक भाई एंड छाया है ना, आई थिंक वो लोग को लंच नहीं करना क्योंकि अभी अभी उनको घर मिला है, तो नए नए घर में वो सोए होंगे। भाई यार वहाँ पे ना कुछ बक्से मिले लोगों को, आई एम नॉट श्योर मुझे क्यों नहीं मिला भाई, पूछना पड़ेगा, मैं लेके जाऊंगा अगर बक्सा मिलने वाला है तो। खाना खाके दोस्तों मैं आज डायरेक्टली सो गया था, काफी ज्यादा नींद आ गई थी। अभी अपने को वापस जाना है इवेंट में, कुछ शायद गेम वगैरह खेलने इंटेल के 13 जेन पे। ये क्या जगह है, मैं यहाँ पे आए नहीं थे यहाँ पे क्या है? ओके, ये सब स्टैंडर्ड चीज है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा रहता है। अभी फटाक से निकल लेते हैं, शाम के 5 बजे। आई थिंक जैकेट पहन लो क्या? यस पहन लेते, चलो रेडी है हम लोग। अभी आई थिंक अपने को स्टेज पे वगैरह भी जाना पड़ सकता है, तो आई होप सब कुछ सही है भाई। ये लिफ्ट भी देखो ना कैसा, एक तो पुराने जमाने का है। और ये होटल दिखाना है, भूल गया था मैं, लॉबी एंड ऑल। अभी अपने को चलना है यहाँ से लेफ्ट में, उधर से क्यों नहीं जा सकते वो नहीं पता मुझे। गेमर्स को देखे कितने खुश हो रहे, जैसे खिलौना दे दिया उनको, लेकिन बड़ा वाला इतने बड़े बड़े थे, प्यारे प्यारे पीसी हो गए, कैसे नहीं खुश हो गया। क्या खतरनाक दिख रहा है यार, ये भी बढ़िया लग रहा है, ये भी सिंपल है, बट साइज के लिए हम लोग हाइड्रा को यूज कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे जस्ट अपना इवेंट हुआ था इंटेल का 13 जेन का। देखो लाइट्स भी लगाए, मेरे लिए लगाए, थैंक यू। चालू किया एंड लाइट्स आ गए, सब ब्लू हो जाता है ना, बस मतलब फिर हम लोग ऐसे स्मर्क टाइप लगने लगते हैं, ऐसे पूरे ब्लू। और इश्यू ऐसा ना, ये ब्लू लाइट सही नहीं रहती कैमरा में। अभी सही देख रहा हूँ ना दोस्तों, सही लग रहा हो तो लाइक दे दो ना, तब समझेगा मुझे सही दिख रहा हूँ। देखो यार क्या खतरनाक दिख रहा है ये वाला पीसी, ऑब्वियसली अपने पास भी खतरनाक पीसी है। और मुझे ऐसे आरजीबी लाइट्स तो काफी ज्यादा ही पसंद आती है। सो दिस इज आदिति एंड दिस इज कीत फ्रॉम इंटेल टीम, एंड दे प्रॉमिस मी दे विल गिफ्ट वन ऑफ दिस सिस्टम्स। या थैंक यू। एंड द कॉस्ट ऑफ जस्ट 2 लाख रुपीस, जस्ट 2 लाख। ये देखो क्या टेक्नोलॉजी है, अल्टीमेटेड ऑफ रेडिएटर अलग से हो सकते हैं, रिजर्वायर आगे लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे माउंट है पीसी पे। खतरनाक चीज है भाई, क्या दिखते हैं आजकल के पीसीज यार, एकदम अलग अलग स्टाइल्स आ रही है इसमें। ये मुझे पसंद है ऐसे चमकते हुए सब कुछ, ये साइड से भी मस्त चमक रहा है भाई ये सब। वहाँ पर देखो गाइस छाया का भी फोटो शूट हो रहा है, कितना सीरियस चेहरा बना के। क्या है भाई इधर भी हम लोग देख रहे हैं, क्या है भाई, जस्ट लिक्विड कूलर, रेडिएटर है ये सिर्फ। ये सिर्फ देखो कुछ रह गया है सब करना चाहिए, ताकि ट्विटर पे भी तुमने आग लगा रखी है। ना 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 भाई, आपके जैसा बनना है इसलिए बिल्कुल मत बनियो। निश्चय भाई बोल रहे गेम नहीं खेलेंगे, ये कोई बात है? अरे जब मुझे बोला ही नहीं है गेम खेलने के लिए, मैं जबरदस्ती खेलूं? मतलब गेम खेलने को जबरदस्ती चाहिए? मैं इनको लेके आया हूं, मेरे हिस्से में ये खेलेंगे। गेम खेलना चाहिए यार, ये सही है, ये करो। मैं एक मिनी व्लॉग बना रही हूं। देखो कैसे जाया गुंडा गलती कर रही निश्चय पे, ऐसा करो वैसा करो, काम से करो ना मिनी व्लॉग। गाइस अभी अपना एक वैलोरेंट का डेथ मैच होने वाला था, वो कैंसिल हो गया भाई इंटरनेट इश्यूज की वजह से। लाइक 1 घंटे बाद निकलना था और फ्लाइट मुझे मेरी छोड़नी पड़ी, अभी लाइक पहुंच नहीं सकता एयरपोर्ट पे, तो कल की फ्लाइट ले ली भाई। निश्चय ने सही बोला था, नहीं पहुंच पाऊंगा एयरपोर्ट। मैं रहता हूँ यहाँ दिल्ली से भाई, ये हम दिल्ली से हैं, मैं आगे कर नहीं बोल सकते, एडिट हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, लाइव नहीं है, बता ही तो रहा हूँ, दिल्ली से हैं हम। भाई वाइटलिटी के टी शर्ट पहन के खड़े हो आप, क्या आप वाइटलिटी में, क्या आप वाइटलिटी के फैन हो? मैं फैन भी हूँ और मैं टीम में भी हूँ। वाह 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 वाह, मिलिए ट्रिगर ईशान से, कैसे और ये है खतरनाक इंसान। इनको बोला जाता है कि भाई ईशान भाई, ईशान भाई, और तेरी वजह से मेरे को लोग ईशान बोलते हैं भाई, मुझे ये पता नहीं था, फर्स्ट टाइम पता चला। सारे आगे बोलते हैं अरे ट्रिगर ईशान भाई, और इसकी वजह से मुझे बोलते हैं खतरनाक इंसान इंसान भाई, मैं थक गया हूँ यार। मेरे को आगे बोलते हैं ईशान भाई माइनक्राफ्ट खेल रहा है, ईशान दूसरा है। देखो बक्से खोलते हुए सब लोग यहाँ पे अपने अपने क्या मिला, देखो अजीब सी चीजें, मतलब कलर्स अलग है इसके 13 चेन का, भाई फर्स्ट टाइम देखा मैंने ये सब, पता नहीं इसको रूम में जाके सही से देखता हूँ मैं। ये यार शराब दे रहे हैं, ये क्या चीज है? अरे बॉटल है भाई, सच्ची बात कर रहे हो ईशान भाई? कौन सी बॉटल है कह रहे हो, दारू बोल रहा था
शर्म नहीं आ रही ईशान भाई? शर्म क्या, जो जो आप भी थे उसमें शर्म। माइनक्राफ्ट की वीडियोस बनाते हो, ऐसी बातें करते हो। जमीन के मैट लग रही है, मैट, अरे योगा मैट, गेमिंग मैट। सिगर ईशान को हम लोग अलविदा बोलते हुए आज के लिए, सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। हां, ये जो रेस्टमेंट वाला है ना, वी फॉर विक्ट्री यो। चलो बाय बाय, अगले इंटेल इवेंट पे। यहां पे मेरा खाना तो हो गया लगभग, लेकिन थोड़ा स्वीट्स खाता था, रसमलाई यार मस्त एकदम, एंड क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन भी खाएंगे। मीठा हो गया, मैंने मीठा कम कर दिया था, बट चलता ठीक है आज के लिए। चुप गाइस, ये देखो यार, हम लोग को बना दिया है कुली, बलि के बकरे बन चुके हैं। हम लोग बॉक्स लेके जा रहे हैं, अपने रूम में रखेंगे। इतने दुखी गए तो हम लोग यहाँ थोड़ा घूमने आ गए हैं, सब लोग मिल के यहाँ पे थोड़ा खाएंगे, सोएंगे और क्या, उसके बाद सोना ही है भाई, क्योंकि कल नहीं, लेकिन कल सुबह जल्दी उठना है भाई। गाइस यहाँ पे ऊपर मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे ये सारी चीज़ें, ये काफ़ी अलग सीन देखा मैंने। गाइस लगभग अभी 1 बजे आ गए रात के, और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, मुझे तुरंत जाके सोना ही पड़ेगा वरना कल सुबह उठ नहीं पाएंगे हम लोग। और यहाँ से हम लोग लास्ट निकल रहे, वो लोगों ने धक्के मार मार के निकाला, ठीक है। वैसे तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी होटल के, तो कोई इशू नहीं, 2 मिनट चल के जाना है। ओके, सो खतरनाक इशू अपने साथ ये हो चुका है। पहली बात तो ये होटल में इतनी गंदी लाइट्स क्यों होती है यार, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, इतनी कम लाइट्स क्यों है। एंड दूसरी बात, ये बॉक्स हम लोग डायरेक्टली ले जा नहीं सकते, लाइक इसको वरना चेक इन वगैरह में डालते बैठना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसमें से चीज़ें निकाल लेता हूँ एंड वो लेके जाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये कैप है, नॉर्मल सी कैप है, इसमें कुछ नहीं, पता नहीं ये सब क्या है, ठीक है, ये बैग में डाल दी। वाह, ये वाला मस्त दिख रहा है यार, इंटेल गेमर डेज का। काफ़ी जल्दी जल्दी मुझे सब करना पड़ा, अब 1-2 मिनट भी यहाँ वहाँ हो जाता शायद प्लेन छूट जाता। काफ़ी लेट हो चुका है ट्रैफिक वजह से, सिक्योरिटी चेक में भी बहुत ही टाइम पास कर रहे थे लोग। गाइस वापस से हम लोग आ चुके हैं मुंबई में, एंड अभी कैब करके जल्दी से घर जाता हूँ। आई थिंक यहीं पे ब्लॉग एंड करते, सब्सक्राइब करके रख दो, और क्या बोलूँ यार, सब्सक्राइब और क्या करते भाई, मैं भूल गया, लाइक कर दो, ठीक है, जो करना है कर दो, कोई इशू नहीं, ठीक है।